नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए तूफान के बाद लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। बिहार में हालांकि 2 दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद चारों तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस समय हम हैं राजधानी पटना के दीदारगंज क्षेत्रों में और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेत खलिहान का जो क्षेत्र होता है वो इस बारिश के पानी के बाद चारों तरफ जल जमाव की स्थिति हो गई है। और जो किसान जो फसल लगाते हैं वो फसल जो है वो उनका फसल जो है डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जो उत्पन्न स्थिति है वो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बारिश के बाद जो है काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया जो है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पानी से भरा हुआ है और किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कुछ किसान यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर किस तरह का कैसे उनको नुकसान हुआ है। सबसे पहले आप बताइए कि क्या किस तरह कैसे आपका खेती प्रभावित हुआ है। सुनिए, ये पानी आया है, बारिश हुआ है, बारिश से सारा अथी फसल था, सामने देखिए फसल था, सब तैयार था फसल, समझे ना, बहुत तरह का फसल था, सब डूब गया। डूब गया, हम लोग कर्ज लेके खेती करते हैं, अब कर्ज कहाँ से देंगे हम लोग को। अब तो मतलब कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब कहाँ से कर्ज देंगे। कितना का नुकसान हुआ होगा आपको, कम से कम तो 6-7 लाख का नुकसान हुआ। छोटा किसान है हम। हाँ, क्या उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से? राज्य सरकार से उम्मीद करने की कुछ सहायता राशि मिले ना दूंगा तो हम लोग को तो मौत लिखा हुआ है। कुछ और किसान हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या दर्द है इस प्री मानसून जो बारिश हुई है उसके वजह से। ये आप बताइए कि किस तरह का क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है आप किसान लोगों को। मेरा देख रहे हैं कि सामने लगा हुआ है मूंग की खेती, बस 15-20 दिनों में बस कटने ही वाला था कि अचानक बेमौसम बारिश होने से मेरा फसल डूब गया है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कहना कि मेरा जो नुकसान हुआ उसको मतलब सरकार से कुछ भरपाई कर दिया जाए ताकि मेरे बाल बच्चा जो हैं घर का जीवन रोटी दाल रोटी चल सके। मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से कि हम किसानों को कुछ जो भी सहायता मिले सरकार से ताकि हम लोग मतलब आगे भी अपना मतलब खेती कर सकें। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग का जीवन यहाँ से स्थगित हो रहा है। पट्टा पर लेकर के? जी हाँ, सब मैं किराए पर का खेत है, पट्टा पर लेता हूँ, इसी में रोपता हूँ। देख रहे हैं कि पूरा मूंग यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, बस 15 दिन में कटने वाला था। उधर प्याज लगा हुआ था जो कि पूरा डूब गया है। अब हम लोग के पास कोई उपाय ही नहीं है। अनुमानित नुकसान क्या होगा? अनुमानित नुकसान करीब हमारा 8-10 लाख रुपया का नुकसान हो चुका है। सब डूब चुका है? सब डूब चुका है। अभी पूरा पूंजी लगा हुआ था, पूरा पूंजी खत्म हो गया। कुछ लोग से उधार पैसा कर्जा लेके किया था, वो भी सब डूब गया। अब कैसे मतलब पैसे चुकाएंगे? अब पैसा कैसे चुकाऊंगा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चुका पाऊंगा। अब कर्ज लिया था, अब और कर्ज लूंगा तो फिर कहाँ से जीऊंगा, कैसे भरण पोषण होगा। इसलिए चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार तक ये खबर पहुँचे ताकि कुछ सरकार से सहायता मिल सके हम लोगों को। आपकी किस तरह की खेती थी? मक्का का खेती थी। क्या हुआ? पानी बढ़ गया और सूख जाएगा, बड़ी नुकसान हुआ है। इसीलिए भारत सरकार से कुछ मांगना चाहता हूँ राशि। कितने क्षेत्र में खेती थी आपकी मक्का? 1.5 बीघा में। 1.5 बीघा में सबका सब बर्बाद? सब बर्बाद हो गया। जल जमाव बारिश का? हाँ, जल जमाव बारिश का है। बहुत बारिश के कारण, इसके कारण से बहुत नुकसान हुआ है। आप बताइए। मेरा भिंडी डूब गया है, तुरई डूब गया है और जल जमाव से चलते पट्टा पर लेके खेती करता हूँ। और ये सरकार से यही चाहता हूँ कि कुछ मुआवजा मिल जाए कि बाल बच्चा के सहायता चल सके।
आप बताइए, आप जल्ला क्षेत्र के रहने वाले हैं और किस तरह से लोगों को आम जनजीवन प्रभावित हुआ इससे? काफ़ी इस यास तूफान का जो आया यहाँ पर बारिश, उसके कारण है जो काफ़ी है जो तनाव में हैं, मतलब किसान लोग और हम लोग भी हैं। मेरा भी मूंग लगाया हुआ था, सब तहस नहस हो गया। यहाँ मुख्य कारण है कि यहाँ पानी जो जल जमाव होता है उसको मतलब करंट है जो निकासी करने का कोई है जो साधन नहीं है। अब चारों तरफ से पानी होता है, यहाँ भर जाता है जितना भी हरा फसल, अभी खीरा था, कद्दू था, आपका भिंडी था, तुरई था, सब है जो नुकसान हो गया है। इसके चलते काफ़ी हम लोग है जो प्रभावित हैं, आज बेरोजगारी के रूप में है जो मतलब आ गए हैं कगार पर कि अब क्या होगा, मतलब कि इस तरह के है जो अभी हम सरकार से यही कहते हैं कि जो जल्ला क्षेत्र है उसका उचित पानी निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किसानों की हर अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपना अपना उनका विचार है। हालांकि इस यास तूफान के बाद हुए बारिश के बाद जो है उत्पन्न स्थिति को हम आपको दिखा रहे थे, आपके सामने रख रहे थे, और साथ ही साथ किसान जो हैं यहाँ के वो आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस प्री मानसून ने जिस तरह से दो दिनों की बारिश के बाद जो स्थिति पैदा की है वो उससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि कई तरह के फसल जो हैं इस प्री मानसून बारिश के वजह से वो बर्बाद हो गया है और उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि किसान यहाँ तक कह रहे हैं कि उन महाजन से और जो पट्टा पर लेकर जो खेती करते हैं उनको पैसे कैसे चुकाया जाए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि इस बारिश के वजह से जो है जो नुकसान हुआ है उसकी कम से कम भरपाई की जा सके। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।